सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में कन्फ्यूजन के खत्म हो जाने के बाद आपको सीरियल में बहुत बड़ा मोड़ देखने को मिलने वाला है, जहां अक्षरा सभी के सामने अभिमन्यु के प्यार को एक्सेप्ट करती दिखने वाली है, जिसके बाद आपको सीरियल में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो आरोही को लेकर है। और आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आपने सीरियल की रिसेंट स्टोरी लाइन में देखा ही होगा कि कैसे कन्फ्यूजन खत्म हो जाने के बाद बिरला फैमिली और गोयनका फैमिली के सदस्यों के बीच बहस होता हुआ नजर आता है, जहां कायरव काफी ज्यादा एग्रेसिव होता हुआ दिखता है। वहीं सीरियल की कहानी में अभिमन्यु भी अपना आपा खोता हुआ नजर आता है। और आपने सीरियल की रिसेंट प्रोमो में यह देख ही लिया होगा कि कैसे अभिमन्यु के पापा सारा का सारा दोस्त अभिमन्यु की मां पर लगाते हुए दिख रहे हैं और उस पर हाथ उठाते हुए भी दिख रहे हैं, जिसे अभिमन्यु रोक रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप सीरियल की कहानी में देख ही रहे होंगे कि कैसे अक्षरा आरोही की बातों का करारा जवाब देती हुई दिख रही है। आपको सीरियल की कहानी में आगे चलकर आरोही सारी हदें पार करती हुई दिखने को मिलने वाली है। आरोही अक्षरा को बहुत ही गलत गलत शब्द बोलती नजर आएगी और उसका इंसल्ट करती हुई दिखेगी, जिसके बाद आप सीरियल की कहानी में देखेंगे कि गोयनका परिवार के सदस्य आरोही के खिलाफ हो जाएंगे, उसे करारा जवाब देते हुए दिखेंगे। ऐसे में ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अभिमन्यु और अक्षरा की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। सीरियल में आपको अक्षरा और अभिमन्यु में कौन सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह टीवी सीरियल रिश्ते का कहलाता है से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।